दो वर्ष पूर्व ब्यावर से ओमान में नौकरी करने गया ब्यावर जटिया कॉलोनी निवासी अजय जुनवाल बुरे हालात से गुजर रहा है। वर्तमान हालात यह है कि अजय का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। दो साल से उसे पगार भी नहीं मिली, जिसके कारण वह भूख प्यास से भी जूझ रहा है। विगत एक माह से अजय जुनवाल तथा उसके ब्यावर निवासी परिजन ब्यावर जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इस हेतु सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण अजय का संकट ठहराता जा रहा है। जानकारी के अनुसार शहर की जटिया कॉलोनी निवासी अजय पुत्र राजेंद्र जुनवाल 2021 में अजमेर निवासी एजेंट विजय कुमार शर्मा के मार्फत ओमान में नौकरी करने के लिए गया था। अजय को जयपुर निवासी सुनील मनकानी के यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा गया था। अजय का आरोप है कि शुरुआती दिनों में तो ओमान में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन शीघ्र ही वहाँ का माहौल बदल गया। 8 घंटे की नौकरी की जगह 12 से 14 घंटे काम लिया जाने लगा। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया और तो वापस भारत आने की बात कहने पर नौकरी से निकालने की धमकियाँ मालिक द्वारा दी जाने लगी। ओमान से एक वीडियो जारी कर पीड़ित अजय ने बताया कि काम पसंद नहीं आने पर जब उसने वापस देश आने की बात कही तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और दो साल की नौकरी की पगार भी उसे नहीं दी गई। अजय का आरोप है कि तबीयत खराब होने की स्थिति में मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही है, उसका लेबर कार्ड तक नहीं बनाया गया था। विजय ने ब्यावर जिला प्रशासन से इस प्रकरण में उसकी मदद करने तथा वापस देश लाने में उसकी सहायता करने की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में अजय के पिता राजेंद्र जुनवाल ने भी 25 दिसंबर 2023 को सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत देते हुए मदद की अरदास की थी। मैं ब्यावर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे को विजय कुमार शर्मा, जो कि अजमेर का एजेंट है, उसने मुझे यहाँ पर ओमान काम करने भेजा विदेश। अभी ओमान काम करने आने के बाद में मुझे काम अच्छा नहीं लगा। 8 घंटे की ड्यूटी बोल के 12-14 घंटे ड्यूटी कराते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेडिकल भी कुछ नहीं है, सैलरी क्या बोल के लेके आए थे, इधर कुछ नहीं मिलता है। मेरे को दो साल से यहाँ पर फंसा रखा है, मेरा पासपोर्ट छीन लिया, मेरा यहाँ का लेबर कार्ड भी नहीं बनाया। मेरा ओनर, जो कि जयपुर का रहने वाला है, सुनील मनकानी, सन ऑफ रुपेश मनकानी नाम है उनका, अभी तक मुझे दो साल से एक भी पैसा नहीं मिला है। मैं इंडिया जाने की बात करता हूँ तो मेरे को धमकी दी जाती है कि आप मेरे यहाँ पर सही से काम करो, नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो मैं ब्यावर पुलिस प्रशासन से हेल्प की मांग करूँगा। मैंने ओमान एम्बेसी में भी, इंडियन एम्बेसी में भी मैंने केस किया, फाइल किया है, उधर से भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने लेबर कोर्ट में भी किए, ब्यावर प्रशासन को एक महीने से मैं टच में हूँ, उनसे मदद की मांग कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई भी मदद नहीं मिली है। मैं मीडिया से और ब्यावर प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, मुझे मदद की जाए। मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इधर मैं उधर से बाहर निकाल दिया गया हूँ। अभी तक उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट भी नहीं दिया, ना मुझे टिकट दे रहे, दो साल का पैसा भी नहीं दिया और ना मेरे को भेज रहे हैं। तो प्लीज़ मैं ब्यावर प्रशासन और मीडिया से दरख्वास्त करूँगा, इस पर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये सुनील मनकानी जयपुर का रहने वाला है, मैंने ब्यावर प्रशासन को पूरी जानकारी दे रखी है, इनको कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी मदद की जाए। इस संदर्भ में पीड़ित अजय जुनवाल के पिता राजेंद्र जुनवाल ने बताया कि दो वर्षों से उसका बेटा अजय ओमान में फंसा हुआ है। उसके द्वारा बताई गई स्थिति के बाद एजेंट से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे कोई बात नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को अजय के हालातों की जानकारी देते हुए मदद की गुहार की गई। गत माह सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत के दौरान उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। राजेंद्र ने बताया कि बेटे के विदेश में फंसे होने के कारण पूरा परिवार सदमे में है और परेशानियों से गुजर रहा है। राजेंद्र जिला कलेक्टर, एसपी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार की है। मेरे बच्चे को आज 21 महीने हो गए, ओमान गया हुआ, ओमान की राजधानी मस्कट है, भेजने वाला वो है शर्माजी है, एजेंट अजमेर का, और आगे सेठ है जो सुनील कुमार है। वो 21 महीने हो गए, ना पैसा देता है ना कोई बात, और बच्चे के साथ थोड़ा परेशान भी करता है।
और अब वो कहने लग गया ये मेरा आदमी नहीं है, मेरा उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब छीन ले गया, कपड़े वगैरह सब, जो शोरूम के कपड़े थे ना वही पहनने के लिए देता था। आपने इस संदर्भ में ब्यावर प्रशासन कलेक्टर या इनसे मिला? हाँ, मिलके आए थे। क्या आश्वासन दिया? कि देखो कुछ कार्रवाई करेंगे। अब आप क्या चाह रहे हो प्रशासन? मैं तो यही चाह रहा हूँ बच्चा घर पे आ जाए, ना कोई वो पैसा दे रहा है ना कोई बात, एक रुपया भी नहीं दिया उसने अभी तक। हम तो बहुत परेशान हो गए और बच्चा रोता है रोज फोन पर, रो रो के बहुत बुरा हाल है और उसने पसा रखा उसको। और अब कह रहा है कि अब क्या पता, ये 5-7 दिन पहले बोल रहा था कि ना मेरा कोई ये आदमी भी नहीं है, कोई वहां का आदमी था ना कि इस बच्चे को तुमने पसा रखा, ना पैसा दे रहा ना कोई बात। तो वो बोल रहा है कि ये तो मेरा आदमी नहीं है, और सब कुछ कपड़े वगैरह सब छीन लिए।